दोस्तों कई बार जब पति बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो अपनी पत्नी को घर पर सिर्फ और सिर्फ अपने भरोसे की बुनियाद पर छोड़कर जाते हैं कि यह मुझे धोखा नहीं देगी। लेकिन सभी पत्नियां ऐसी नहीं होती हैं, पीछे से न जाने क्या क्या कर्म कांड करती रहती हैं पत्नियां। ऐसा ही आज की घटना में हुआ है। सीआरपीएफ जवान की पत्नी का कार मैकेनिक से और प्रॉपर्टी डीलर से प्रेम प्रसंग चल रहा था और जैसे ही उसका पति घर से जाता है तुरंत ही दोनों घर पर आ जाया करते हैं। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बबाद हो जाती है उस औरत की हत्या। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात इलाके की, जहां पर अंजलि नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र 26 साल है। वह अपने पति के साथ रहती है, उसके पति की ड्यूटी सीआरपीएफ में है और दोस्तों उसका पति अपनी ड्यूटी पर रहा करता है तो घर पर अंजलि अकेली रहा करती है। अंजलि की जब शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले से ही उसके प्रेम प्रसंग अपने गाँव के एक मुख्तार नाम के लड़के के साथ थे। मुख्तार की उम्र 27 साल और वह कार मैकेनिक था। उसके साथ शादी से पहले ही अंजलि के संबंध थे। दोस्तों शादी हो जाती है, शादी होने के बाद अंजलि अपने पति के घर आती है तो भी मुख्तार उसका पीछा नहीं छोड़ता है, उसके ससुराल में जाकर ही उसके साथ संबंध बनाया करता है और अंजलि भी मुख्तार को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ करती है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अंजलि के दो बच्चे हो जाते हैं और अंजलि अभी भी मुख्तार के साथ प्रेम प्रसंगों में थी। वह जब पति नहीं हुआ करता था तो पीछे से मुख्तार अंजलि के घर पर आया करता और अंजलि के साथ संबंध बनाया करता था। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों जिस औरत को तरह तरह की सब्जी खाने की या चाटने की आदत पड़ जाती है उसको फिर एक सब्जी में स्वाद नहीं आता है। ऐसा ही अंजलि ने किया। अब उसको मुख्तार और अपने पति में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है। तभी उसकी नज़र एक पुष्पेंद्र नाम के युवक के ऊपर पड़ती है जिसकी उम्र 30 साल होती है और जो कि प्रॉपर्टी डीलर है। अब घर पर अंजलि अकेली तो रहा ही करती है तो उसकी नज़रें पुष्पेंद्र से मिल जाती हैं, उसको भी अपने घर पर बुलाने लगती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। अब दोस्तों एक जाता है घर से, एक आता है। जब पति नहीं रहता है तो पीछे से मुख्तार आता है और जब मुख्तार चला जाता है तो घर के अंदर पुष्पेंद्र आता है। इसी तरह से वह अपने पति को धोखा दे रही थी और पूरा गेम यहाँ पर खेल रही थी। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है बहुत ही खतरनाक होता है, जो इस घटना में हुआ था। अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो मुख्तार को पता चल जाता है कि उसकी प्रेमिका अब किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भी मौज मस्ती कर रही है। मुख्तार को पता चल जाता है कि उसकी प्रेमिका अंजलि पुष्पेंद्र के साथ प्रेम प्रसंगों में है। वह अंजलि से मना भी करता है लेकिन अंजलि उसकी बात को ज़्यादा लाइटली नहीं लेती है। वह कहती है कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ और उससे भी प्यार करती हूँ, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से। मुख्तार अपने मन ही मन में जल जाता है, भुन जाता है और वह फैसला कर लेता है कि अब अंजलि को रास्ते से ही हटाना पड़ेगा क्योंकि यह मेरी नहीं हो सकी पूरी तरह से, तो मैं इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। दोस्तों एक दिन क्या होता है, मुख्तार अंजलि के घर पर आता है और अंजलि के घर पर आकर के अब क्या होता है, अंजलि को शराब पिलाता है, खूब शराब खुद पीता है और अंजलि को भी शराब और बियर पिलाता है। वहीं पर अंजलि के दो बच्चे होते हैं, बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे होते हैं। तो शराब पीने के बाद अब मुख्तार अंजलि के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद अब उससे कहता है कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ी देर के लिए माइंड फ्रेश हो जाएगा। अंजलि उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और मुख्तार उसको गाड़ी में ले जाकर जंगलों की तरफ ले जाता है। वहाँ ले जाकर उसकी गर्दन को दबाने लगता है और बुरी तरह से उसकी गर्दन को दबाने लगता है, वह तड़पने लगती है और थोड़ी ही देर में वह तड़प तड़प कर मर जाती है। दोस्तों जैसे ही वह मर जाती है तो उसकी डेड बॉडी को वह वहीं जंगल में फेंक आता है। अब क्या होता है दोस्तों, वह अपने घर चला जाता है। इधर जो अंजलि का पति होता है वह उसके पास फ़ोन कर रहा था कि अंजलि कहाँ हो तुम, तुमने कई दिनों से बात नहीं की, लेकिन अंजलि घर में हो तो फ़ोन उठाए ना। अंजलि के दो छोटे छोटे बच्चे थे, वह फ़ोन उठाते और पापा पापा कहकर जोर जोर से रोने लगते और कहते कि पापा मम्मी तो यहाँ पर कई दिनों से नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, अंजलि का जो पति होता है वह पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। पुलिस उस घर में आती है, देखती है तो उस घर के अंदर कोई भी नहीं मिलता है, अंजलि भी नहीं मिलती है, लेकिन दो छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको उनके नाना और मामा वहाँ से ले जाते हैं। अंजलि के घर में कुछ बियर की बोतलें पड़ी हुई थी खाली, कुछ शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, तो पुलिस समझ जाती है कि कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर यहाँ पर हुई है।
गलत कृत्य जरूर हुआ है। उसके बाद जो अंजलि का पति होता है वह ड्यूटी से आकर के रिपोर्ट दर्ज करवाता है अपनी पत्नी की गुमशुदगी की, तो पुलिस छानबीन में जुट जाती है। दोस्तों पुलिस छानबीन में जब जुटती है तो पुलिस अंजलि की कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है, तो पुलिस को पता चल जाता है कि अंजलि ज़्यादातर मुख्तार नाम के शख्स के पास फोन किया करती है, वह इसके गाँव का ही रहने वाला है। अब दोस्तों पुलिस मुख्तार को उठा लेती है, मुख्तार को उठाकर सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो मुख्तार सारी घटना मुँह से बयां करने लगता है। मुख्तार कहता है कि अंजलि सिर्फ मेरी थी, मैं इससे प्यार करता था शादी से पहले भी और अभी भी इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अंजलि अब किसी दूसरे पुष्पेंद्र नाम के युवक के चक्कर में पड़ गई थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अंजलि को समझाया भी था लेकिन अंजलि मानी नहीं थी, इसलिए मैंने अंजलि को रास्ते से हटा दिया, उसको शराब पिलाकर उसके साथ संबंध बनाए, उसको फिर गाड़ी में ले जाकर जंगलों की तरफ ले जाकर उसकी गर्दन को दबाकर मार दिया। दोस्तों उसके बाद जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे भी यही कहते हैं कि मुख्तार अंकल के साथ मम्मी गई थी लेकिन वापस नहीं आई। तो यहाँ पर सारा भेद खुल जाता है, मुख्तार को जेल में डाल दिया जाता है और अंजलि की मौत हो जाती है, यानी कि अय्याशी का नतीजा अंजलि को यहाँ पर मिल चुका था और मुख्तार को भी यहाँ पर उसकी सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि वह अब जेल में रहेगा, ज़िंदगी भर वहीं पर आराम से मौज मस्ती किया करेगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक होता है। कभी भी अपने आप को अवैध संबंधों में ना फंसाएं, अपने आप को बचा कर रखें, प्योर रहें, पवित्र रहें, उसके बराबर कोई होड़ नहीं होती है। यहाँ पर अंजलि ने अपने पति को धोखा दिया तो इस दुनिया से विदा हो गई, बच्चे अनाथ रह गए। अब जो पति है उसकी तो शादी दूसरी हो जाएगी क्योंकि वह जॉब में भी अच्छी में है, लेकिन अंजलि ने क्या लिया, यहाँ पर सिर्फ हवस को बुझाने के चक्कर में पति को धोखा दे रही थी और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों कभी भी ऐसा कृत्य ना करें, पति पत्नी को आपस में धोखा ना दें, वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ ही जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।